लड़के को भगा ले गई 19 साल की लड़की, यौन शोषण के आरोप में हुई अरेस्ट। तमिलनाडु से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक 19 साल की लड़की को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लड़की पर आरोप है कि वो एक 17 साल के लड़के को लेकर फरार हो गई थी। इतना ही नहीं, ये भी आरोप है कि उसने लड़के से भागकर शादी भी कर ली है। फिलहाल लड़की पर मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है और मामले की जाँच शुरू हो गई है। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले ऐसी कोई घटना सुनी है या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला पोलाची थाने से जुड़ा हुआ है। लड़की अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़कर स्थानीय पेट्रोल पंप पर काम कर रही थी। नाबालिग लड़के ने भी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर आगे की पढ़ाई छोड़ दी। दोनों उसी पेट्रोल पंप पर काम करते थे और उनकी जान पहचान भी वही हुई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों एक साल से अधिक समय से रिश्ते में थे। बताया जा रहा है कि दोनों अलग अलग समुदाय से संबंध रखते हैं। पुलिस ने भी यही बताया कि लड़की लड़के के साथ पिछले गुरुवार को डिंडीगुल जिले के पलानी में भागकर शादी की है। अगले दिन वे दोनों कोयंबटूर जिले के सेम्मेदु लौट आए और किराए के मकान में रह रहे थे। इसी बीच नाबालिग लड़के की माँ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब दोनों को इस बारे में पता चला तो दोनों ने थाने में आकर सरेंडर कर दिया। आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करना।